मैं चीखे मार रही थी क्योंकि मैं उस वक्त फोन पे थी, मैं चीखे मार रही थी और वो जो मेरे साथ फोन पे थे वो मेरी चीखों से पागल हो रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। निम्रा खान हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। निम्रा खान के साथ कल एक भयानक वाकया पेश आया जिसकी वजह से उनकी वालिदा हॉस्पिटल में हैं और ख़ुद भी वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा इस वाकये की तफसील जानने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। कल मेरे साथ जो हुआ आज मुझे आप लोग को ये सब कुछ इसलिए बताना है क्योंकि आप लोग को पता है ये 14 अगस्त बना के मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं आप लोग में से जो दिल से ये झंडे उड़ाते हैं और ये बाइकों में घूम के ये झंडियां उड़ाना, ये कौमी तराने लगाना, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लगाना और ये दिल दिल पाकिस्तान सुनना कितना दिल से करते हैं आप लोग, मैं जानना चाहती हूँ। तब मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। मैं कल डिफेंस में रमादा क्रीक के सामने खड़ी हुई थी। I was waiting for my car. तीन आदमी आए। तीन आदमी आए। उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मेरे हाथ में मोबाइल थे, मेरे शोल्डर पे मेरे बैग थे। मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही थी, वो सिर्फ रश की वजह से फंसे हुए थे और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और वो मुझसे पहुंच नहीं पा रही था। मैं सिर्फ इसलिए आगे होकर खड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और वो मेरे लिए रहमत वाली बारिश क्यों रही क्योंकि मैं अपने आप को कैसे बचा पाई। वो आदमी उन्हें मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी और मैंने चीखे मारना शुरू की। किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सामने चार गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना। मैंने अपनी प्रोटेक्शन खुद की, मेरे पाम पे जोर से लगाए, मैंने बाइक को धक्का दिया, उसके हाथ पे लोडेड गन थी और मैं भागी हूं और वो पीछे से गोली मुझे मार सकता था या मेरे पेट पे गोली मार सकता था लेकिन मैंने अपने आप को खुद बचाया। जैसे ही मेरी चीखे सबने सुनी मैं चलती गाड़ी के आगे आई, उनको रुकवाया मैंने और उस फैमिली ने मुझे बचाया। वो गाड़ी से उतरे, रमादा की पूरी टीम बाहर आई, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और वो मुझे अंदर लेके गए। मैं विक्टिम हूं उस चीज का। कैसे बोलूं कि मैं टैक्स पेयर हूं, मैं एक एक्ट्रेस हूं, एक टैक्स पेयर हूं। मैं इस मुल्क का टैक्स देती हूं। मैं किस वजह से टैक्स देती हूं? मैं अपने लिए उस उन टैक्स के पैसे बचा के चार गार्ड रख लूं, इससे बेहतर तो। मैं पता हमेशा हमेशा मैं ये सोचती थी कि ये कौन से शशके हैं, कौन से लोग हैं जो अपने डाले अपनी गाड़ी के पीछे डाला लेके चार चार गार्ड्स बिठा के लेके घूमते हैं। नो वंडर क्यों घूमते हैं, नो वंडर के हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके क्यों सेटल होते हैं, नो वंडर के मेरे साथ वो कल होने वाला था। बट कल जो मैं बची हुई मुझे पता मैं कैसे बची हूं। मेरे साथ कुछ भी होता उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता, ना ये सिक्योरिटीज जो सामने बैठी हुई थी, ना ये जितनी यहाँ पर मोबाइल और जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। पहले भी बोला था या तो लाशें मिलती हैं या तो सबको ऐसी पड़ी हुई मिलती है। कल मैं ऐसे होने वाली थी और कल से जिस डिप्रेशन में मैं, जिस एंग्जायटी में मैं हुई, जो मैं फेस कर रही हूँ, इसे मुझे पता है, इसे मुझे पता है कि कल से मैं क्या फेस कर रही हूँ। और मेरी फैमिली को, मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई, कुछ को लगा था कि उसने अपनी बेटी खो दी है। वीडियो पूरी आपने देखी, क्या आप समझते हैं कि कौन लोग हैं इस तरह के वाक्यात के जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए फैंटास्टिक ऐप के साथ इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियोस के लिए।